ये जो हाथी आप देख रहे हैं ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं है। दरअसल ये हाथी ऋषिकेश के गंगानगर की गलियों में मानो कुछ ऐसे घूम रहा है जैसे कि ये अपने खुले जंगल में घूम रहा हो। मगर ये ही नहीं, ऋषिकेश में इससे भी भयानक चीजें हो रही हैं। इस वक्त जो हाल पूरे उत्तराखंड का हो रखा है वो अकेला ही ऋषिकेश का हो रखा है। जी हाँ, आपको बता दें कि योग नगरी ऋषिकेश आजकल जलमग्न हो रखी है। जी हाँ, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये अंबे होम्स अपार्टमेंट गली नंबर 9 हनुमानपुरम गंगानगर ऋषिकेश का है, जहाँ पर भीषण बारिश के चलते 30 फुट तक पानी भर चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो पानी भरा है वो आजकल की बारिश से भरा होगा, मगर आपको बता दें कि 13 अगस्त को आई हुई भीषण बारिश का ये नतीजा है, जिसने कि ऋषिकेश के अंबा होम्स अपार्टमेंट को लगभग 30 फुट पानी में दफन कर दिया। इसी के साथ आसपास की सड़कों में भी पानी भर चुका है। आप तस्वीरों में अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जिन लोगों ने सड़कों के किनारे अपनी गाड़ी को पार्क किया था वो इस तरीके से प्रतीत हो रही हैं मानो कि कोई कश्ती पानी में डूब रही हो। आप देख सकते हैं कि बाहर निकलने के उन सभी रास्तों में लगभग 10 फीट तक पानी भर चुका है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोग ISP फ्लोर से कूदकर अपनी जान बचाकर भागे हैं। नगर निगम, SDRF टीम, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर और उन सभी शासन प्रशासन के अधिकारियों को लोगों ने सूचित कर दिया था कि नाली खोलकर पानी के बहाव को बाहर निकाला जाए, मगर अब तक उन सब चीज़ों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और कमाल की बात तो ये है कि आज इस पानी को लगभग 6 दिन हो चुके हैं पर ये पानी अभी भी 15 फीट तक जमा हो रखा है। ये सब होने के बाद भी शासन प्रशासन की आंखें नहीं खुली। ऐसा लग रहा है कि मानो वो इंतजार कर रहे हों किसी अनहोनी होने का। बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग है वो लगभग 7 मंजिला है और वो कभी भी गिर सकती है क्योंकि उसके बेसमेंट में लगभग 15 फीट तक पानी भर चुका है। बिल्डिंग के चारों तरफ आप ये भी देख पा रहे होंगे कि खाली प्लॉट हैं, जो कि अब खाली नहीं रहे बल्कि पानी से इस तरीके से जलमग्न हो चुके हैं कि मानो स्विमिंग पूल हो। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पंप की सहायता से पानी को बाहर निकाला जा रहा है ताकि सबकी जान बचाई जा सके। इसी के साथ रोडों का हाल तो मानो कुछ इस प्रकार हो रखा है कि कभी वहां पर कोई रोड रही नहीं होगी। आखिर क्या कर रहे हैं ऋषिकेश के नगर निगम के कर्मचारी और क्या कर रही है SDRF की टीम? क्या वो किसी समय का इंतजार कर रही है कि कोई दुर्घटना घटे और तब हम वहां पे पहुंचे? तो कुछ इस प्रकार का हाल हो रखा है योग नगरी ऋषिकेश का। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकार्पण के साथ अनावरण सच का। धन्यवाद। बाहर जाने की मेन सीढ़ी पानी भर गया है और गाड़ियाँ सब घूम गई हैं।